10,000 की रेंज में सैमसंग ने लॉन्च किया इस साल का अपना पहला बजट स्मार्टफोन, जो आपको देगा एक 5000 mAh की दमदार बैटरी, बढ़िया कैमरा, एक अच्छा स्टोरेज ऑप्शन और भी काफी सारे फीचर्स। वेल, मैं बात कर रही हूँ सैमसंग गैलेक्सी M02S की, जिसके अंदर आपको काफी अच्छे फीचर्स तो मिलने वाले ही हैं, साथ में 10,000 की रेंज के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। इस फोन के बारे में सब कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, जागरण हाईटेक को भी सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि इस फोन के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M02S की लुक की। तो जब आप अपने हाथ में ये फोन पकड़ते हैं तो आपको एक काफी गुड लुकिंग स्टाइलिश स्मार्टफोन मिलता है। 10,000 की रेंज के अंदर ये बढ़िया लुकिंग फोन है और आपको एक बढ़िया डिस्प्ले मिलता है, फुल डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले के बारे में मैं आपको दोबारा बताऊंगी इस पूरे वीडियो के अंदर, लेकिन आपको इसके अंदर नीचे की तरफ जब आते हैं तो आपको स्पीकर मिलता है, आपके चार्जिंग पोर्ट मिलता है, 3.5 mm जैक मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड में इसका सिम ट्रे मौजूद है और राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम कंट्रोल कीज और पावर बटन मिलता है। तो ये तो बात थी इसके फ्रंट लुक की, अब चलते हैं इसके बैक में। तो आप जब बैक की तरफ जाते हैं आपको एक प्लास्टिक बॉडी मिलती है, एक ग्रेडियंट फिनिश के साथ मिलती है, जो इस फोन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। जो सबसे ज़्यादा इसका बढ़िया चीज़ है वो है इसका ये कैमरा, जो काफ़ी अच्छी तरीके से प्लेस किया गया है। ट्रिपल रेयर कैमरा मिलता है। इसकी जो फिनिश है वो एक प्लास्टिक की है जो एक ग्लास लाइक दिखती है, तो ये बढ़िया बात है। आपको इस फोन के अंदर अगर कवर नहीं लगाना है तो भी ये एकदम रफ एंड टफ चलने वाला है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। सो ये तो बात थी इसके लुक की, अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस ऑफ फीचर्स की। सैमसंग गैलेक्सी M02S में आपको 6.5 इंच का इन्फिनिटी वी डिस्प्ले मिलता है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1560 पिक्सल है। इस फोन में वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिया गया है। इस फोन का प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 SoC के साथ आता है, जिसके अंदर आपके दिनचर्या की एक्टिविटीज़ तो हो जाएंगी, लेकिन हाँ, जो गेमिंग लवर्स हैं उनको ये शायद सुख नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसका ये जो प्रोसेसर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। साथ ही इस फ़ोन में आपको मिलती है 4GB प्लस 64GB की स्टोरेज, जो आप माइक्रो SD कार्ड के सपोर्ट से 1TB तक बढ़ा सकते हैं। कैमरा की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल रेयर कैमरा मिलता है, जो बड़े ही अच्छे तरह से प्लेस किया गया है और काफ़ी अच्छा दिखता है, जिसका प्राइमरी सेंसर 12 MP का है, दूसरा कैमरा 2 MP का है जो डेप्थ सेंसर के साथ आता है, और तीसरा कैमरा 2 MP का है जो मैक्रो लेंस की तरह यूज़ किया जा सकता है। सैमसंग गैलेक्सी M20S में आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कई एडवांस फीचर्स के साथ आता है, जैसे कि आप इसमें काफ़ी अच्छी सेल्फीज क्लिक कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के लिए भी कैमरा अच्छा काम करता है। सैमसंग ने इस फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी दी है, जो कि 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। तो चलिए स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स तो हो गए, अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज की तरफ चले तो इसके अंदर आपको 10,000 के अंडर एक बढ़िया स्मार्टफोन मिल जाता है विद ऑल द बेसिक फीचर्स। आपका एंटरटेनमेंट इससे बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, एकदम बढ़िया चलेगा, क्योंकि आपको इसके अंदर बैटरी भी बहुत अच्छी मिलती है, विच इज़ माई दूसरा प्रो। आपके एक बंदा जब फ़ोन खरीदता है तो उसको यही रहता है कि उसकी जितने दिन भर की एक्टिविटीज़ होने वाली हैं उसके लिए उसको एक अच्छी बैटरी मिले, तो ये ऑफर भी करता है ये फ़ोन। और तीसरा प्रो इसका ये है कि आपको इसके अंदर एक बढ़िया कैमरा भी मिल जाता है, जो आपको आपकी सेल्फीज़ और फोटोज़, आपको वीडियो कॉलिंग करनी है उसमें भी काफ़ी बढ़िया और काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अब चलते हैं कॉन्स की तरफ। तो कॉन्स ये है कि इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर अनलॉकिंग सिस्टम तो नहीं मिलता है, हाँ आप अपना फ़ोन फेस रिकग्निशन के साथ या फिर पैटर्न या पिन के साथ अपना अनलॉक कर सकते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इसके प्राइसिंग की। तो प्राइस शुरू होता है इस फोन का 8,999 rupees से। अब फाइनल वर्डिक्ट ये है कि हाँ, आपको 10,000 की रेंज के अंदर विद सैमसंग ब्रांडिंग एक बढ़िया स्मार्टफोन मिलता है, विद अ गुड बैटरी लाइफ, विद अ गुड स्टोरेज ऑप्शन एंड और आपको एक कैमरा भी बढ़िया मिलता है, और बेसिक एंटरटेनमेंट के लिए भी आपका ये फ़ोन बढ़िया काम कर सकता है।
एक पॉइंट ये है कि जो गेमिंग लवर्स हैं और अगर वो M02S को एक गेमिंग के ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो आई थिंक मैं उनको ये फ़ोन ऑप्ट नहीं करूंगी खरीदने के लिए। तो ये तो था मेरा वर्डिक्ट। आपको क्या लगता है गैलेक्सी M02S के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो का लिंक उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो 10,000 के अंडर एक बेसिक लेकिन बढ़िया स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं और उनके लिए ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।